हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जब मैं छठ पूजा का मैंने ब्लॉग दिखाया था, उसके बाद मैं घर पे आ गई थी सब्जी लेके। फिर मैंने ये वाला ब्लॉग स्टार्ट किया था, उसमें ऐड नहीं किया था क्योंकि लंबा हो जाता वीडियो, इसलिए फिर मैंने वहीं से फिर स्टार्ट कर दिया था। आप लोग सोचेंगे वही साड़ी पहने हैं, तो इसलिए मैंने पहले से ही बता दिया। वहाँ से आई थी मैं सब्जी लेके, और अब बनाऊँगी बंद गोभी आलू की सब्जी। और मिर्ची है मोटी, इसे भी मैं अलग से तड़का लगाऊंगी इसमें तेल में, इसे फ्राई कर लूँगी मिर्ची को। और ये भी खाने में बहुत अच्छी लगती है, तो आप लोग बने रहना वीडियो में एंड तक, बताना कैसा लगा कमेंट करके। यहाँ काट लूँगी बंद गोभी, और अब तो ठंड भी आ गई है तो बंद गोभी अच्छा लगता है, लेकिन मटर वटर डाल के ज़्यादा अच्छा लगता है। मटर तो नहीं थी, और सब्ज़ी तो बहुत महंगी हो गई है अब तो, और टमाटर तो पूछो ही मत, दिल्ली में तो बहुत महंगे हैं टमाटर, 80 रुपये किलो हो गए टमाटर। बंद गोभी था 40 रुपये किलो, और आलू है 40 रुपये किलो। और सब्जी तो खानी है, इतनी भी महंगी हो जाए बिना सब्जी के तो नहीं बनता कुछ भी। और मुझे तो 2-3 टाइम बनानी ही पड़ती है, क्योंकि सुबह सूखी बनाती हूँ हस्बैंड के लिए, और दोपहर में दाल आल बना लेती हूँ, और शाम को भी चाहिए सब्जी। और दाल भी रखी है थोड़ी दोपहर की, और दालें भी बहुत महंगी हैं। और इधर मिर्ची भी मोटी जो मैं लेके आई थी, उसे भी फ्राई करूँगी क्योंकि मोटी मिर्ची अच्छी लगती है खाने में, लेके आई थी उसको भी मिर्ची को। और अचार के लिए भी लेके आऊँगी, अचार डालूँगी, पहले डाला था वो ख़त्म हो गया था मेरा, ज़्यादा नहीं डाला था, 1 किलो का ही डाला था। इधर हो गया तेल गरम, इसमें डाल दूँगी हींग जीरा और प्याज डाल दूँगी, और लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रखा है उसे भी डालूँगी। प्याज हो गया था, फिर टमाटर डाल दिए। टमाटर ऐसे थे पता नहीं, इतने तो महंगे तो मिले, लेकिन ये बिल्कुल नहीं गले। इसमें नमक भी थोड़ा डाला था, फिर भी नहीं गले थे, ऐसे खड़े खड़े रहे, मुझे नहीं पता था, तो मैं छोटे छोटे और काट के रखते। मैंने कोई कोई टमाटर गल जाता है, कोई कोई पता नहीं क्यों नहीं गले। इसमें मसाला डाला है, हल्दी, लाल मिर्च और सब्जी मसाला था, और धनिया पाउडर और कसूरी मेथी, रोज के मसाले हैं डाल दिए थे। और थोड़ी देर से पकाऊंगी 2-3 मिनट अच्छे से। टमाटर तो बिल्कुल नहीं गल रहे थे, मसाला तो हो गए थे, इसमें डाल दिया बंद गोभी। बंद गोभी को अच्छे से फ्राई कर लूँगी, उसके बाद डालूँगी आलू, और सूखी बनाऊँगी। पानी तो इसमें नहीं डालना होता है, सूखी सब्जी में पानी बिल्कुल नहीं डालती हूँ, और आलू डाल दूँगी और अच्छे से ढक के रख दूँगी, नमक डाल के पक जाएगी। मैं तब तक उधर मिर्ची काट लूँगी और मिर्ची को फ्राई करूँगी तेल में, वो भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। लेके आई थी मिर्ची, ये भी 20 की पाव मिली थी, और इसे मैं 20 से काट लूँगी, 4 कर लूँगी क्योंकि मोटी थी, और आधी रखी है, आधी मैं फ्राई करूँगी। और इसमें डाल दिया है फ्राई पैन में तेल, इसे गरम कर लूँगी अच्छे से, और इसमें जीरा डालूँगी, और बस जीरा सिर्फ डालने के बाद इसमें मिर्ची डाल दूँगी, फ्राई हो जाएंगी। और ये नींबू मैं निचोड़ के रख लूँगी, और ये मिर्ची में डालूँगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, सच में बहुत अच्छी लगती है खाने में। पहले मैं प्याज टमाटर की बनाती थी, लेकिन बच्चों को नहीं अच्छी लगती है, ऐसे ही अच्छी लगती है, तो इसमें जिसमें मैं बना रही हूँ ऐसे तो प्याज डाल के टमाटर डाल के काट के बनाओ, वो भी अच्छी लगती थी। मोटी होती है, कड़वी बिल्कुल नहीं होती है, बच्चे आराम से खा लेते हैं। और अच्छे से इसमें वो डाल दूँगी नमक, और अच्छे से हो जाएगी फ्राई। और अब डाल दिया है नींबू, अच्छे से मिक्स कर लूँगी और निकाल लूँगी प्लेट में। और बन के हो गई थी मिर्ची मेरी रेडी, और बंद गोभी सब्जी भी बन गई थी लगभग, और थोड़ा और इसमें
ढक के रख दूंगी। थोड़ी कसर थी, वैसे तो बन गई थी, कलर भी अच्छा आया। कभी कभार कैमरा अच्छा दिखता है मेरा, कभी कभार सब्जी बिल्कुल पता नहीं अजीब सी लगती है, जैसा कलर है वैसे ही दिख रही है सब्जी। और इधर धनिया काट लूँगी और डाल दूँगी, और इसे भी अच्छे से मिक्स करके उतार लूँगी, फिर बनाऊँगी रोटी, क्योंकि टाइम हो गया था, बच्चों को भूख भी लगी थी और नींद भी आ रही थी, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं, सुबह जल्दी उठते हैं तो जल्दी सो जाते हैं बच्चे। स्कूल जाते हैं सुबह, तो जल्दी सोना सोते भी हैं, तो खाना बच्चों को दे दिया है। अब करती हूँ गैस साफ करूँगी, दाल साफ करूँगी, उसके बाद रोटी के बर्तन हैं। और बर्तन तो मैं साफ करके ही गई थी जब पूजा में, और फिर भी बर्तन काफ़ी हो जाते हैं, बच्चों ने भी खा के रख दिए, वो साफ कर लूँगी, उसके बाद खाना खाऊँगी हम दोनों लोग। और अच्छे से साफ कर लूँगी गैस, क्योंकि दोपहर में दाल भी बनाई थी तो छीटा छीटा पड़ जाती है, लेकिन दोपहर में भी साफ करी थी। और खाना वाना बनता है तो कपड़ा तो मैं रोज ही मार लेती हूँ, और अच्छे से क्लीन कर लूँगी गैस को, रख दूँगी और उसके बाद धुलूँगी बर्तन रोटी के, क्योंकि ज़्यादा हो जाते हैं फिर बर्तन हम लोग खाएंगे और फिर ज़्यादा मन भी नहीं, खाना खाने के बाद मुझे आलस लगता है। तो थोड़े रहेंगे हम दोनों लोगों के, तो बाद में धुल लूँगी, छोड़ती नहीं हूँ बर्तन, धुल लूँगी उसे भी, लेकिन ये ज़्यादा है बर्तन तो अभी साफ़ कर लूँगी, क्लीन हो जाएंगे अच्छे से। हस्बैंड भी आ गए हैं, वो बाथरूम में है, हाथ पैर धुल रहे साफ अच्छे से, और इधर दूध चढ़ा दूंगी गैस पे, दूध गर्म होगा और अब जाऊंगी खाना खाऊंगी। और ये सब्जी जो रखी है ये अच्छे से, पानी इसका सूख गया है, और इसे अच्छे से फ्रिज में रख दूंगी, अभी जाली मैं ऐसे ही रख दूंगी, क्योंकि धुली थी सब्जी और ऐसे रख दूंगी, पानी तो उसका सब निकल गया है, निचुड़ गया पूरा। और जब तक मैं सलाद काटूंगी, बच्चे खाना खा चुके हैं और ये खाना मेरा रखा हुआ है, अभी खाऊंगी। और इधर हो रहा है दूध गरम, और बर्तन मेरे इतने सारे थे तो सब धुल दिए मैंने बर्तन, ये सब्जी भी लगाऊंगी फ्रिज में। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, ये सुबह सुबह का है ये क्लिप, और बच्चों की आज छुट्टी है तो ये सब, बेटा तो स्कूल गया है, बेटी की है छुट्टी, तो जहाँ बुके हैं बच्चे ऐसी छोड़ देते हैं, जो सामान है वहाँ रखूँगी, उठा उठा के इधर उधर करके अच्छे से। और उसके बाद बेडशीट तो लगा दी थी, उसके बाद झाड़ू पोछा लगाऊँगी, और मेज पे, मेज हो या कुछ भी हो वहाँ सामान, कहीं कुछ बेल्ट है और टैप है, ये टैप बच्चे कहीं बुक में कहीं कापी में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वहीं कंघा है, सब उठा के जहाँ जो सामान है वहाँ रखूँगी अच्छे से। और काम तो रोज के ही हैं, बहुत ज़्यादा काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। और मेरी बेटी का क्या है, दो दिन स्कूल है, एक हफ्ता छुट्टी है, और काम इतना देती हैं सभी मैम पूरे हफ्ते का। बेटा का तो स्कूल है, क्योंकि वो यहाँ नहीं पढ़ता, वो दूर जाता है, तो इस वजह से झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद लगाऊंगी पोछा। आधे में तो लग गया है, थोड़ा थोड़ा क्लिप लिया है क्योंकि लंबा होता वीडियो, इसलिए पोछा लगा लूंगी, उसके बाद नहाऊंगी। Thank you.
कमरे में अब लगाऊंगी, बाहर किचन में और उसके बाद बाहर तो वाईफाई से ही लगाऊंगी क्योंकि काफ़ी लंबा है तो मैं बैठ के मुझे दिक्कत होती, मैं नहीं लगा पाती हूँ। लगाने को लगा लूँ लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है इस वजह से। बाहर थोड़ा लगा लूंगी उसके बाद वाईफाई से लगा दूंगी पोंछा और उसके बाद नहाऊंगी। बज गया था 9:30 का टाइम है ये सुबह सुबह, तो ठंड भी लगने लगी है सच में। पानी इतना ठंडा रहता है तो गर्म करके बच्चे तो नहा के जाते स्कूल, और मैं भी अब गर्मी किया करूंगी क्योंकि समर तो है नहीं, सप्लाई का है, समर भी है लेकिन चलती नहीं है, सप्लाई का ही है, चलाना पड़ता है, गर्म नहीं निकलता, ठंडा रहता है पानी। तो यही वीडियो का करूंगी एंड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। कल मिलूंगे एक अच्छे से एक नए से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।